बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 9, मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चैप्टर नंबर 9, मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। जी, मेथड ऑफ डायनामिक, चैप्टर नंबर 7, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, सपोज एट एनी टाइम टी ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी। देखें वंस अगेन, सपोज एट एनी टाइम टी, किसी वक्त ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक पार्टिकल पर एक फोर्स एक्ट करती है और जिसका मास के एम है, मूविंग विद वेलोसिटी वी, उसकी वेलोसिटी वी है। देन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देन बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एफ बराबर होगा एम ए। बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन तो एफ बराबर एम ए। अब ए किसके बराबर था? डी वी बाय डी टी। भाई जान, ए किसके बराबर था? डी वी बाय डी टी। भाई वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करें, या ए की जगह पर आई पुट, तो एफ बराबर होगा एम डी वी बाय डी टी। एफ बराबर होगा, इसको यूं भी लिखा जा सकता है, डी बाई डी टी इंटू एफ एम वी, डी बाई डी टी इंटू एम वी। और वी किसके बराबर था भाई? डी आर बाई डी टी, या डी वी बाई डी टी होगा डी टू आर बाई डी टी। तो भाई हेयर वी हैव एम बाहर, ये बनेगा डी टू आर बाई डी टी स्केयर इंटू आर। भाई डी वी बाई डी टी की जगह पे यू कैन पुट दिस, तो डी टू आर बाई डी टी स्केयर का आर डबल नॉट, एफ बराबर होगा एम आर डबल नॉट। भाई एफ बराबर होगा एम आर डबल नॉट। भाई इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ बराबर एम आर डबल नॉट। ये छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, जस्ट नॉलेज कुछ पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, वो हम शेयर करेंगे। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशंस। इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशंस, वी नो एफ बराबर एम ए, दिस इज वन, लेट कर लें एफ बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, एंड आर फर्ज कर लें भाई जन क्या है, एक्स स्मॉल एक्स आई प्लस स्मॉल वाई जे। भाई एफ आपने फर्ज किया कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे, और आर आपने सपोज किया वो क्या है, आर बराबर होगा स्मॉल एक्स आई प्लस स्मॉल वाई जे। नाउ एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा जी? भाई डी टू आर बाई डी टी स्केयर, और ये क्या होगा डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर आई प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्केयर। जी इसको वन में दर्ज कर दें भाई जन, क्या करेंगे वन में, ये जो वन है इसमें दर्ज कर दें, ये होगा कैपिटल एक्स आई प्लस कैपिटल वाई जे। एम बाहर, ए की जगह पे आई पुट डी टू एक्स ओवर डी टी स्केयर आई प्लस डी टू वाई बाई डी टी स्केयर जी। तो ये देखेंगे जब कंपेयरिंग करेंगे, कैपिटल एक्स होगा एम, इसको बोलेंगे एक्स डबल नॉट, इसको बोलेंगे भाई एक्स डबल नॉट। वाई बराबर होगा वाई एम वाई डबल नॉट, एक्स बराबर होगा एम एक्स डबल नॉट, वाई बराबर होगा एम वाई डबल नॉट। दीज आर द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। भाई दीज आर द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ, ये क्या है कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। बहरहाल आपने ये जरा याद रखिएगा, कैपिटल एक्स बराबर होगा एम एक्स डबल नॉट, कैपिटल वाई बराबर होगा एम वाई डबल नॉट। तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन, भजन इक्वेशन ऑफ मोशन इन टू डायमेंशन। जी नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म। वी नो रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन, वो हमने ड्राइव किया हुआ है काइनामेटिक्स में, ए इज एक्सेलेशन इज इक्वल आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्केयर इन टू आर कैप प्लस टू आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट इन टू एस कैप। बाई रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलेशन, वी हैव ड्राइव एक्सेलेशन बराबर आर डबल नॉट माइनस आर आगे थीटा नॉट का स्केयर इन टू आर कैब प्लस टू आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट इन टू एस कैब। ऑल्सो एफ बराबर होगा एफ आर इंटू कैपिटल इंटू आर कैब प्लस एफ थीटा इंटू एस कैब। पुट इन एफ इज इक्वल टू एम ए, आइए हरकत की मसावात में पुट कर दें, एफ की जगह पर आई पुट दिस, ए की जगह पर आई पुट दिस, एफ आर
इंटू आर कैप प्लस एफ थीटा इंटू एस कैप एम क्या होगा भाई, आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस एम टू आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट इंटू एस कैप। नो प्लीज कंपेयरिंग, एफ आर बराबर होगा एम आर डबल नॉट माइनस आर थीटा नॉट का स्क्वायर एंड एफ थीटा बराबर होगा एम टू आर नॉट थीटा नॉट प्लस आर थीटा डबल नॉट, इसको टू कह देंगे। वन एंड टू आर कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म, भाई वन और टू को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म, भाई वन और टू को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म, भजन वन और टू को क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन इन पोलर फॉर्म। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम, इट इज डिनोटेड बाय पी, दैट इज पी बराबर होगा एम वी। भाई मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, भाई द प्रोडक्ट ऑफ मास, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होगा उसको बोलेंगे मोमेंटम। तो मोमेंटम होगा पी बराबर होगा एम वी। भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ अ पार्टिकल ऑफ मास, इफ अ पार्टिकल मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, इफ अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, अगर एक बॉडी मूव करेगी बगैर किसी फोर्स के, प्रेशर के, then the momentum remains constant throughout the motion, then momentum remains constant throughout the motion, this is called law of conservation of linear momentum, by if a particle moves under the influence of no force, agar ek particle move karega under the influence of no force, then momentum remains constant throughout the motion, then momentum remains constant throughout the motion, this is called लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। भाई इसको क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वंस अगेन आई रिपीट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इफ अ पार्टिकल मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, भाई पार्टिकल मूव करेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, देन द मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मोमेंटम क्या होगा, रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन, पूरे सिस्टम मोमेंटम रिमेन कॉन्स्टेंट रहेगा। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आ भी सकते हैं। वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, वी नो एफ इज इक्वल टू एम ए, अब ए की जगह पे आई कैन पुट डी वी बाई डी टी, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूँ, डी बाई डी टी एम वी, कॉन्स्टेंट को मैंने अंदर भेज दिया। प्लीज आप देखिएगा, एफ बराबर होगा डी बाई डी टी एम वी, गिवन हमारे पास है इन्फ्लुएंस ऑफ नो फोर्स, एफ इज इक्वल टू जीरो, एफ जीरो का मतलब है ये इसके बराबर है तो ये जीरो, इंटीग्रेट करें एम वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वेयर सी इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन। जी वर्क डन, इफ ए फोर्स एफ एक्स ऑन ए बॉडी, इफ ए फोर्स एफ एक्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी अंडर गोज ए डिस्प्लेसमेंट डी, भाई फोर्स एक्ट करती है और बॉडी क्या करती है, डिस्प्लेस करती है, डिस्प्लेसमेंट डी, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स then F dot D is called work done, भाई F और D का जो dot होगा उसको क्या बोलेंगे, work done, by the force F on a, on this body, that is work done बराबर होगा F dot D या F D cos of theta, where theta is the angle between F and D, भाई work done की definition है, if a force F acts on a body, अगर एक force acts करेगी एक body के ऊपर, and body undergoes a displacement D, और बॉडी कुछ फासला तय करे, बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस फोर्स, उस फोर्स के असर की वजह से बॉडी भी फासला तय करे, देन एफ डॉट डी इज कॉल्ड वर्क डन, देन एफ डॉट डी को क्या बोलेंगे भाई जी, वर्क डन बाय द फोर्स एफ ऑन दिस बॉडी, दैट इज वर्क डन बराबर होगा एफ डॉट डी, या मैग्नीट्यूड फॉर्म में एफ डी कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एफ एंड डी। देखें फोर्स ने किया, बॉडी ने डिस्प्लेस फासला डी किया, इन दोनों के दरमियान एंगल भाई जिनका थीटा। ये दो नोट याद रखने हैं, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, भाई इस चैप्टर में वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स इज वो क्या होगा, एफ डॉट डी का, भाई वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एफ, आपने वर्क डन का फार्मूला याद रखना है, एफ डॉट डी का। इफ द फोर्स इज वेरिएबल, अगर फोर्स कांस्टेंट होगी तो एफ डॉट डी आर, अगर फोर्स वेरिएबल होगी तो वर्क डन का फार्मूला होगा इंटीग्रल पी वन टू पी टू एफ डॉट डी आर। भैया इफ द फोर्स इज वेरिएबल,
देन वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल P1 टू P2 एफ डॉट डी आर। भजन देखें, इफ द फोर्स इज वेरिएबल देन वर्क डन का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल P1 से P2 एफ डॉट डी आर। जी पावर, द रेट ऑफ वर्किंग ऑन ए पार्टिकल इज कॉल्ड पावर। कहता है रेट ऑफ वर्किंग या डेरिवेटिव ऑफ वर्किंग, वर्किंग का जो वर्क का जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू टी, उसको हम पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पावर। द रेट ऑफ वर्किंग ऑन ए पार्टिकल इज कॉल्ड पावर। पावर बराबर होगी dW/dt की। पावर बराबर होगी dW/dt। नेक्स्ट वी हैव एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। बाई एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म होता है ½mv² और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्म होता है mgh। भाई काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होता है ½mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mgh। ये ध्यान में रखिएगा और एक ये नोट याद रखिएगा, P बराबर होगा F डॉट V। भाई F और V का जो डॉट होगा ना भाई, उसको क्या बोलेंगे? P। F और P, V का जो डॉट होगा उसको बोलेंगे P। भाई सेंट्रल फोर्स, इफ ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, इफ ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इज सेट टू बी सेंट्रल फोर्स। इसको सेंट्रल फोर्स उस वक्त कहेंगे इफ इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट O। अगर ये हमेशा कहां से पास करेगी? फिक्स पॉइंट O से। कहां से पास करेगी? फिक्स पॉइंट O से। भाई इफ ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल, एक फोर्स F का एक्ट करेगी ऑन पार्टिकल इज सेट टू बी सेंट्रल फोर्स। उसको सेंट्रल फोर्स उस वक्त कहेंगे इफ इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट O। अगर ये फिक्स पॉइंट O से पास करती है, कॉल द सेंटर ऑफ दिस फोर्स। भाई इसको क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ दिस फोर्स। इट मे बी आइदर रिपल्सिव आर अट्रैक्टिव। भाई कहते हैं ये फोर्स रिपल्सिव हो सकती है या अट्रैक्टिव, अकॉर्डिंग एज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम या टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ दिस फोर्स। अगर फोर्स अंदर की तरफ आ सकती है या बाहर की तरफ जा सकती है, लिहाजा इसको इट मे बी आइदर रिपल्सिव आर अट्रैक्टिव। भाई ये रिपल्सिव हो सकती है या अट्रैक्टिव, अकॉर्डिंग एज इट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम आर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फोर्स रिस्पेक्ट। वंस अगेन सेंट्रल फोर्स, ये फोर्स है कहाँ से पास करी? सेंटर से। फोर्स पी फोर्स है वो कहाँ पर? एफ है, कहाँ से पास करी? सेंटर से। इफ ए फोर्स एफ एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल इज सेट टू बी सेंट्रल फोर्स इफ इट ऑलवेज पासिस थ्रू द फिक्स पॉइंट ओ। अगर फिक्स पॉइंट ओ से पास करेगी तो इसको क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। कॉल द सेंटर ऑफ द फोर्स। इट मे बी आइदर रिपल्सिव आर अट्रैक्टिव अकॉर्डिंग एज इट इज डायरेक्टेड अवे from or towards the center of the force respectively. जी थ्योरम है जी, प्रूव दैट। विद थ्योरम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रूव दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बाय रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इज इक्वल टू द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। इसको क्या बोलेंगे? इज इक्वल टू द पावर अप्लाइड टू द पार्टिकल। दैट इज अगर डिफ्रेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी किया जाए विद रिस्पेक्ट टू टी, तो किसके बराबर होगा? पी। Where T बराबर ½mv². Where rate of increase of kinetic energy, यानी कि derivative of kinetic energy of a particle is equal to the power applied। भजन किसके बराबर है? Power applied, यानी kinetic energy को with respect to T differentiate तो P के बराबर आएगा। Where T बराबर होता है ½mv². भाई we know T बराबर ½mv², but v square किसके बराबर होगा? V dot V। बट वी स्केयर किसके बराबर होगा? वी डॉट वी। भाई रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू टी इज इक्वल टू द पावर, इज इक्वल टू द पावर, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी की जैसे पावर के बराबर आएगा। वी नो टी बराबर ½mv² एंड वी स्केयर बराबर होगा वी डॉट वी। वैक्टर का वसूल वी डॉट वी किसके बराबर होगा? वी का स्क्वेयर। भाई देखें टी बराबर ½m, ये वी डॉट वी डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, इसको डिफरेंशिएट, इसको डिफरेंशिएट, ये क्या होगा? टू टाइम वी डॉट डी वी बाई डी टी। भाई टू कैंसिल कर दें तो क्या होगा? एम आगे वी डॉट डी वी बाई डी टी। भाई एम इंटू डी वी बाई डी टी डॉट वी, हमने इसको सेट कर दिया। एम डी वी बाई डी टी किसके बराबर होता है? एफ के बराबर। एफ डॉट वी किसके बराबर होगा? पी के। एफ डॉट वी किसके बराबर होगा? पी के। अगेन आई रिपीट, टी बराबर है ½m v डॉट वी।
वी स्क्वायर की जगह पे आई पुट वी डॉट वी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप जरा देखें कि आप इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो कॉन्स्टेंट ये होगा टू टाइम वी डॉट डी वी बाई डी टी लगेगा ना, फर्स्ट एज डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट आफ्टर कैंसिलेशन कैलकुलेशन, टू को कैंसिल करें एम आगे वी डॉट डी वी बाई डी टी, प्लीज इसको आप यूं सेट कर लें एम डी वी बाई डी टी अलहदा और डॉट वी रहता, ये आपका आपको पता है एफ बन गया, तो एफ डॉट वी बन गया और ये किसके बराबर था पी के बराबर पावर के, भाई फोर्स और वेलोसिटी का जो डॉट होता है उसको क्या बोलते हैं पावर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बहुत इंपॉर्टेंट 2008 में आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, भाई प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी स्टेटमेंट है द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग ए कर्व सी फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज T2 माइनस T1, भाई टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग ए कर्व सी फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू द इंक्रीज T2 माइनस T1 इन काइनेटिक एनर्जी, वेयर T1 T2 आर रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जीज एट टाइम T1 एंड T2 कोरस्पॉन्डिंग टू द पोजिशंस P1 P2, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, भाई जन इसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, भाई जन इसको क्या बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। देखें टोटल वर्क डन भाई जन किसके बराबर, टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग अ कर्व सी फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज T2 माइनस T1, वेयर T1 एंड कैपिटल T2 आर रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जीज एट टाइम T1 एंड T2 रिस्पेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द पोजिशंस P1 P2 रिस्पेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, भाई जन इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। भाई प्रूफ में ये पहले फिगर को डिस्कस करते हैं, वी हैव दिस एक्स एक्सिस दिस वाई एक्सिस, ये कर्व है जो ये पॉइंट P1 है इसका पोजिशन वैक्टर R1 है, ये पॉइंट P2 है इसका पोजिशन वैक्टर R2, पार्टिकल P के ऊपर है और भैया Q के ऊपर, P का पोजिशन वैक्टर है R और Q का R प्लस डेल्टा R, तो भैया इनके दरम्यान का होगा डेल्टा R, इनके दरम्यान का होगा डेल्टा R जी। अगेन आई रिपीट द टोटल वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट अलोंग अ कर्व सी, कर्व सी के लॉन्ग मूव करिए फ्रॉम P1 टू P2 इज इक्वल टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, आपने साबित करना T2 माइनस T1, वर्क डन किसके बराबर साबित करना T2 माइनस T1, वेयर कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2 आर रिस्पेक्टिवली काइनेटिक एनर्जीज एट टाइम T1 एंड T2, भाई जब टाइम स्मॉल T1 होता है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी होती है कैपिटल T1, जब स्मॉल टाइम T2 होगा उस वक्त काइनेटिक एनर्जी होगी T2, और जब स्मॉल T1 होगा तो उस वक्त पार्टिकल का P1 का बन, जब स्मॉल T2 होगा तो पार्टिकल को आप P2 करो। भाई देखें दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, भाई जन इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। लेट प्रूफ जरा देखें, लेट एफ बी फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, फर्स्ट कर लें कि फोर्स एफ है एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला का इंटीग्रल वेरिएबल होगा तो P1 से P2 एफ डॉट dr, एफ डॉट dr आपने यहाँ से dt से डिवाइड कर दिया, भाई dt से डिवाइड कर दिया और dt से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, वंस अगेन लेट एफ बी द फोर्स, लेट एफ बी ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम, देन वर्क डन का फॉर्मूला का इंटीग्रल P1 टू P2 एफ डॉट dr, भाई dt से डिवाइड और dt से आपने क्या किया मल्टीप्लाई, भाई dt से डिवाइड और dt से मल्टीप्लाई, भाई अगेन ये P1 है इसका पोजिशन वेक्टर R1, ये पॉइंट P2 है इसका पोजिशन वेक्टर R2, पी के ऊपर पोजिशन वेक्टर हमने आर लिया, क्यू के ऊपर लिया आर प्लस डेल्टा आर, तो भैया ये डी आर और ये डी आर होगा और ये ओरिजिन है हमारा, भाई जन ये हमारा क्या है ओरिजिन है जी, ये लाइन एक्स एक्सिस और ये लाइन वाई एक्सिस, भाई जन एफ बराबर थे एम इंटू डी वी बाई डी टी, एफ बराबर थे एम इंटू डी वी बाई, इसकी जगह पे आई कैन पुट एस, तो ये क्या बना भाई इंटीग्रल एफ डॉट वी इंटू डी टी, भाई एफ डॉट वी इंटू डी टी, तो इसकी जगह पे आपकी जगह एम डी वी बाई डी डॉट वी जी, भाई जन एम बाहर निकाल लें डी वी बाई डी टी डॉट वी जी, भाई दो से मल्टीप्लाई दो से डिवाइड, तो भाई जन गौर से देखे ना ये बना टू वी डॉट डी वी बाई डी टी डी टी बाहर, इसको भाई जन इस तरह लिख लो वी डॉट डी वी बाई डी टी प्लस डी वी बाई डी टी डॉट वी जी, भाई इस चीज़ को अगर मैं बंद करूंगा तो ये डेरिवेटिव ऑफ डी टी बनेगा वी डॉट वी का, भाई वी डॉट वी को डिफ्रेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट दिस,
इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आई विल गेट दिस। आप डी टी डी टी कैंसिल करते हैं और आपको पता है इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल होती है और वी डॉट वी का वी मैग्नीट्यूड का स्केयर है। तो आप पहले ऊपर वाली लिमिट लगाओगे नीचे वाली में, भाई इस पॉइंट के ऊपर जो आपकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा भैया वो वी वन का स्केयर होगा और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा वी टू हो जाएगा भाई, जिनका होगा वी टू का स्केयर होगा भाई वी टू का स्केयर होगा। तो देयर फोर आपका क्या बनेगा भाई हाफ एम आगे वी वन का वी टू का स्केयर माइनस हाफ एम वी वन का स्केयर। ये है काइनेटिक एनर्जी एट टी टू और यह काइनेटिक एनर्जी एट टी वन। तो वर्क डन का फार्मूला हमने साबित कर दिया टी टू माइनस टी वन भाई, वर्क डन का फार्मूला हमने साबित कर दिया टी टू माइनस टी वन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिकल मैकेनिक्स फॉर बीएससी एंड फॉर बीएस ऑनर स्टूडेंट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 मेथड ऑफ डायनामिक्स, मेथड्स ऑफ डायनामिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स। ए फील्ड ऑफ फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव। कहते हैं फोर्स को कंजर्वेटिव उस वक्त कहेंगे, ए फील्ड ऑफ फोर्स एफ इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ़ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर फंक्शन वी, इफ देयर एग्जिस्ट ए स्केलर फंक्शन वी ऑफ एक्स वाई जी सच दैट एफ बराबर होगा माइनस, एफ बराबर होगा माइनस पार्शल वी बाय पार्शल एक्स आई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल वी बाय पार्शल जेड के ब्रैकेट क्लोज, या इसको आप एफ इज इक्वल टू माइनस डेल वी भी बोल सकते हो भाई, एफ को इज इक्वल टू माइनस डेल इन टू वी। एक डेफिनेशन ये है इफ देयर एग्जिस्ट अ स्केलर फंक्शन वी सच दैट, आप डेल वी का डेल ले लें विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा एफ के, तो आप कहेंगे फोर्स इज कंजर्वेटिव। जी ये नोट है, कहते हैं वी को वी इज कॉल्ड द पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एफ। भाई वी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एफ आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। भाई वी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एफ, वी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एफ आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। भाई वी को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ऑफ द फोर्स एफ आर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी। भाई ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ए फोर्स एफ इज कॉल्ड कंजर्वेटिव। भाई उसको कंजर्वेटिव उस वक्त कहेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बिकॉज कर्ल एफ या माइनस कर्ल ग्रेडियंट वी इज इक्वल टू जीरो। भाई ए फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स, एक फोर्स को कंजर्वेटिव उस वक्त कहेंगे अगर कर्ल एफ या माइनस कर्ल ग्रेडियंट वी क्या हो जी जीरो हो। दिस मीन्स द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ। भाई ये नुकता ज़रा ज़हन में रखिएगा, फोर्स इज सेट टू बी कंजर्वेटिव इफ एंड ओनली इफ कर्ल एफ क्या हो जी जीरो। अगर कर्ल एफ जीरो आ जाए तो भाई फोर्स का होगी कंजर्वेटिव, और अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो कर्ल एफ क्या होगा जी जीरो। भाई अगर कर्ल एफ जीरो हो, कर्ल मीन डेल क्रॉस एफ, अगर कर्ल एफ जीरो हो तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, अगर फोर्स कंजर्वेटिव होगी तो कर्ल एफ जीरो होगा जी। जी थ्योरम है द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, द वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम पोजिशन पी वन टू पी टू अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल एट पी वन एंड पी टू रिस्पेक्टिवली। दैट इज हमने साबित करना है वर्क डन बराबर है वी वन माइनस वी टू। भाई हमने साबित करना है वर्क डन बराबर है वी वन माइनस वी टू जी। भाई इंपॉर्टेंट थ्योरम है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दी वर्क डन ऑन ए पार्टिकल, दी वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम ए पोजिशन पी वन, पोजिशन पी वन टू पी टू अंडर द कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ द पार्टिकल एट पी वन एंड पी टू रिस्पेक्टिवली। दैट इज हमने साबित करना है वर्क डन बराबर है वी वन माइनस वी टू जी। भाई सिंस द फोर्स फील्ड इज कंजर्वेटिव, भाई गिवन हमारे पास क्या फोर्स फील्ड क्या है जी कंजर्वेटिव, देयर फोर एफ किसके बराबर होगा माइनस डेल वी के, एफ किसके बराबर होगा माइनस डेल वी के, माइनस बाहर डेल वी होता है पार्शल वी बाय पार्शल एक्स आई
plus partial v by partial y j plus partial v by partial z k. Now the work done on a particle in moving it from p1 to p2 is भाई वेरिएबल है ना, तो वर्क डन का फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रल पी वन से पी टू एफ डॉट डी आर. भाई वी नो वर्क डन ऑन ए पार्टिकल इन मूविंग इट फ्रॉम पी वन टू पी टू इज भाई डब्ल्यू बराबर होगा, वर्क डन बराबर होगा पी वन से पी टू एफ डॉट डी आर. एफ डॉट डी आर भाई हेयर आर हमें पता है आर बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, तो डी आर क्या होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के जी. भाई डी आर किसके बराबर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के जी. तो जरा देखिएगा हमारा वर्क डन का फार्मूला आर वन आर टू माइनस बाहर भाई पार्शल वी बाय पार्शल एक्स इंटू आई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल वी बाय पार्शल के डॉट डी आर की जगह पे मैंने पुट कर दिया डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के. नो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना तो क्या होगा आई आई के साथ जरा खाएगा प्लस जे जे के साथ और के साथ माइनस बाहर भाई आर वन टू आर टू ये कहेगा पार्शल वी बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल वी बाय पार्शल वाई इंटू डी वाई प्लस पार्शल वी बाय पार्शल जेड इंटू डी जेड. आपको पता है बट ये हमें फार्मूला हमने कैलकुलस में नौवें चैप्टर में पढ़ा डी फाइव बराबर होता है पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स आई पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल फाइव बाय पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल फाइव बाय पार्शल जेड डी जेड. ये फार्मूला देखें ये इसकी जगह पर यू कैन पुट दिस, तो इस पूरे की जगह पर आई पुट डी वी. अब इंटीग्रल डी कैंसिल वी गेट वी आर टू माइनस आर वन पहले अपर लिमिट लगाई दी माइनस करके नीचे वाली, तो ये क्या होगा इस पॉइंट के ऊपर पोजिशन वी टू होगा और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा वी क्या होगा वी वन होगा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो भाई वी वन माइनस वी टू आ गया. भाई वी एट पॉइंट आर टू क्या होगा वी टू वी एट पॉइंट आर वन क्या होगा वी वन जी. भाई वी एट पॉइंट आर टू क्या होगा वी टू और वी एट पॉइंट आर वन क्या होगा वी वन जी. तो वर्क डन का फार्मूला हमने साबित कर दिया वी वन माइनस वी टू जी. भाई वी वन माइनस वी टू बस ये याद रखिएगा डी फाइव जो होता है ना वो होता है पार्शल फाइव बाय पार्शल एक्स इंटू डी एक्स प्लस पार्शल फाइव बाय पार्शल वाई डी वाई प्लस पार्शल फाइव बाय पार्शल डी जेड डी. भाई देखो इधर फाइव है ना तो इधर डी फाइव लिखेंगे, भाई इधर फाइव है तो इधर क्या लिखेंगे डी फाइव, यहाँ पे वी है तो भाई इधर क्या लिखेंगे डी वी. और इंटीग्रल डी आपस में कैंसिल, भाई इंटीग्रल डी आपस में क्या होंगे जी कैंसिल. और जब भी आपने आर लेना है भैया क्या फर्ज करना है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, जब इसका डिफरेंशियल होगा तो डी आर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के जी. भाई डी आर बराबर होगा डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के जी. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. टोटल एनर्जी द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी टी एंड पोटेंशियल एनर्जी वी दैट इज टोटल एनर्जी को ई से शो करेंगे बराबर होगा टी प्लस वी. देन ई इज कॉल्ड टोटल एनर्जी, देन ई इज कॉल्ड टोटल एनर्जी. भाई जान देखें सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ई बराबर होगा टी प्लस वी. देन ई इज कॉल्ड टोटल एनर्जी. ई को क्या बोलेंगे भाई टोटल एनर्जी. भाई काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा टोटल एनर्जी. ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है जी. कहते हैं इन ए कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स, भाई इन ए कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन. भाई कहता है टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसको भाई जन क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. कहते हैं इन ए कंजर्वेटिव फील्ड ऑफ फोर्स द टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द मोशन दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. भाई जन इसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. भाई कहता है टोटल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये हमने साबित करना है जी. भाई वी नो हमने पीछे डाइव किया वर्क डन का फार्मूला टी टू माइनस टी वन एंड वर्क डन का फार्मूला वी प्रूफ वी वन माइनस वी टू. भाई दोनों हमने थ्योरम प्रूफ किए वर्क डन फार्मूला टी टू माइनस टी वन एंड वर्क डन बराबर है वी वन माइनस वी टू नो इक्वेटिंग. तो टी टू माइनस टी वन बराबर होगा वी वन माइनस वी टू. भाई टी टू माइनस टी वन किसके बराबर होगा वी वन माइनस वी टू जी. भाई तो प्लीज़ कंपेयरिंग वी हैव प्रूव वी हैव प्रूव दिस वर्क डन बराबर है टी टू माइनस टी वन एंड वर्क डन बराबर है वी वन माइनस वी टू. नो प्लीज इक्वेटिंग वी गेट टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू वी वन माइनस वी टू जी. प्लीज वी हैव टी टू प्लस टी वन टी टू प्लस वी टू इज इक्वल टू टी वन प्लस वी वन जी.
shows that total energy at any two points P1 and P2, भाई P1 के ऊपर होगा T1 plus V1 और P2 के ऊपर होगा T2 plus V2 are equal. Hence the field of forces conservative. ठीक है जी, यही आपने साबित करना था. तो भाई P1 के ऊपर क्या होगा T1 plus V1 और भैया P2 के ऊपर होगा T2 plus V2 जी. एंड दिस वॉज अवर टारगेट जी. जी मूवमेंट ऑफ ए फोर्स F अबाउट एनी पॉइंट, बाई मूवमेंट ऑफ ए फोर्स F अबाउट एनी पॉइंट, बाई मूवमेंट ऑफ फोर्स निकालना. देखें द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स F विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी अबाउट वन ऑफ इट्स फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. देखें जब फोर्स अमल करे और बॉडी डिस्प्लेस करे तो वी से वर्क इज डन. लेकिन जब फोर्स अमल करे और बॉडी रोटेट करे अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट तो वी से मूवमेंट इज डन जी. भाई द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स F, एक फोर्स F है उसके अंदर जो सलाहियत होगी विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी, विच ट्राई टू रोटेट द बॉडी अबाउट वन ऑफ इट्स पॉइंट अपने किसी पॉइंट के गिर इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. उसको भजन क्या बोलेंगे मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, भजन उसको क्या बोलेंगे मूवमेंट ऑफ ए फोर्स. देखिएगा लेट ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी, भाई एक फोर्स F है एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी. लेट कर दें लेट ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए रिजिड बॉडी एंड बॉडी इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट O. भाई जरा देखिएगा ए फोर्स F है, ए पॉइंट पर एक्ट कर रही है बॉडी के और बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट O और O से A तक का फासला वी सपोज R. लेट ए फोर्स F एक्ट्स ऑन ए बॉडी एंड द बॉडी इज रोटेटेड अबाउट द पॉइंट ओ. नो टेक एनी पॉइंट ए एट द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दिस फोर्स सपोज ओ से ए क्या है जी आर. तो देन मूवमेंट का फार्मूला होगा आर क्रॉस एफ. ये याद रखना मूवमेंट का फार्मूला होता है आर क्रॉस एफ. द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर एंड एफ इज कॉल्ड मूवमेंट और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी जी. भाई वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी क्योंकि वो डॉट होते हैं. यहाँ पर क्या होगा जी मूवमेंट का फार्मूला आर क्रॉस एफ. तो देखिएगा आपने एक फोर्स अमल की ए पॉइंट पर एक्ट करी बॉडी रोटेट करती है अबाउट पॉइंट ओ. तो भाई ये वाला फासला आर है जी पोजीशन वेक्टर आर है. आपने दोनों का आर और एफ का क्रॉस करना है. आर और एफ का क्या लेना है क्रॉस, पहले लेफ्ट पे आर लिखेंगे राइट पे एफ लिखेंगे. ये डिफाइंड है जी आर क्रॉस एफ नॉट एफ क्रॉस आर. इस कार्ड मोमेंट और मोमेंट को हम एम से शो करेंगे. नाउ एंगुलर मोमेंटम. The angular momentum of a particle of mass m moving with velocity v about the point O at any time t is denoted by h. भाई h बराबर होगा r क्रॉस एम वी. भाई h बराबर होगा r क्रॉस एम वी. प्लीज़ देखिएगा the angular momentum of a particle. The angular momentum of a particle of mass m moving with velocity v about the point O at any time t is denoted by h और h की वैल्यू याद रखनी r क्रॉस एम वी. भैया डिफाइन है r क्रॉस एम वी. एच बराबर होगा r क्रॉस एम वी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एंगुलर मोमेंटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद velocity v. भाई एक पार्टिकल है जिसका मास एम है वो वी के साथ मूव करे अबाउट द पॉइंट ओ अपने किसी पॉइंट ओ के गिर एट एनी टाइम टी. तो उसका जो फार्मूला होगा एच इज इक्वल टू होगा आर क्रॉस एम वी. आर क्रॉस एम वी जी. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थ्योरम है प्रूव दैट रेड